हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो यार आज DTE का एग्ज़ाम हो गया, आप सारे बच्चों को बधाई। जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं कि आपके चार पेपर खत्म हो गए, सिर्फ दो पेपर आपके बाकी हैं, IDT और मल्टी डिसिप्लिनरी केस लॉस, मतलब IBS जिसको आप कहते हैं। अच्छा तो साहब, आज DTE का पेपर हो गया तो हम एक इस वाले मतलब वीडियो में एक छोटा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे और एक छोटा सा हम एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके का पेपर आया था। कुछ एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे, मतलब डिटेल्ड सॉल्यूशन की बात फिलहाल नहीं करेंगे, बट जो बहुत फ्रिक्वेंट एडजस्टमेंट जो कि बच्चों से आ रहे हैं सिर्फ उसकी बात करेंगे। अच्छा आप चाहें तो इस वाले वीडियो को देखें, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो अपने IDT के प्रिपरेशन में भी जा सकते हैं, बट वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, मैक्सिमम 15-20 मिनट, ताकि आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ताकि एक होता है नहीं कि एग्जाम देकर आए हैं तो कम से कम एक थोड़ी सी सर्टिनिटी हो जाती है, बस इस वजह से बात। अदरवाइज आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और फिर जब आपके एग्जाम जब पूरे खत्म हो जाए देन यू मे वॉच। अच्छा तो इस वाले वीडियो में डियर हम छोटा सा मतलब छोटी सी वीडियो होगी ये वाली, जिसमें हम एक ब्रीफ पेपर का ओवरव्यू लेंगे और जो कुछ मेजर एडजस्टमेंट्स हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं उसका क्या आंसर होना चाहिए, वो उसकी मतलब थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलें फिर, पेपर वाज ओवरऑल एवरेज पेपर बट लेंथी था। 3 घंटे में कंप्लीट करना आसान नहीं होता डियर, अब मेरे लिए बोलना कुछ भी आसान है, बट जो बच्चे एग्जाम के सिचुएशन में पेपर दे रहे होते हैं उनको समझ में आता है साहब कि 3 घंटे में इतना बड़ा पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। बट एनी हाउ, चलें फिर थोड़ा सा कुछ मेजर मेजर एडजस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वॉज अगेन अ 14 मार्क्स क्वेश्चन, जो कि हमारे पास जो हमारा जो पैटर्न होता था उसी मतलब पैटर्न का क्वेश्चन था। सरप्राइज एलिमेंट ये था मेरे लिए इसमें, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब जो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका आएगा उसमें इंस्टीट्यूट जो है आपसे वो आपसे ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम और नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम का कंपैरिजन ही पूछेगा, जैसा कि मुझे लग रहा था कि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज इन्होंने जो नए सिलेबस का जो सिलेबस नए कोर्स का जो सिलेबस दिया था उसमें इन्होंने कहा था ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टैक्स रिजीम, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टैक्स रिजीम बिटवीन द ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम एंड द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ दैट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि अब जो भी इसके क्वेश्चन आएंगे वो आपका मतलब कंपैरिजन होगा और आपको एडवाइस करना पड़ेगा कि वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर द ससी टू रिमेन इन द नॉर्मल इनकम टैक्स रिजीम और गो फॉर द ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम। बट ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं था, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, एक दो एडजस्टमेंट्स अच्छे थे जो कि हमें जरूर से देखने चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है, assuming that company has not opted for the special provisions 115BB और 115BB, और साथ में MAT का implication इसलिए नहीं आया था क्योंकि यहाँ पे tax liability का calculation नहीं था। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा था you are required to compute the total income of the company as per the provisions of 1961। अगर यहाँ पे tax liability की computation की बात की गई होती तो यहाँ पे MAT की भी adjustment को हमें consider करना पड़ सकता था, but MAT से जुड़े हुए यहाँ पे कोई भी details हमें सच नहीं दिए गए थे, इसलिए हम इससे भी समझ सकते हैं कि हमें MAT का application नहीं करना था। और MAT का application डियर सिर्फ और सिर्फ book profit के calculation के लिए नहीं होता, टैक्स लायबिलिटी के कैलकुलेशन के लिए होता है। तो फिर आप देखते हैं कि टैक्स जो है वो मैट प्रोविजंस के हिसाब से ज्यादा बन रहा है या फिर अदर देन मैट प्रोविजंस के हिसाब से ज्यादा टैक्स बन रहा है, और इन्होंने अगर अल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम ऑप्ट किया होता तो मैट तो खैर लगता ही नहीं। तो चलिए फिर इसके कुछ मेजर एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहला एडजस्टमेंट नंबर 2। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 के लिए डियर आपको पता है बोनस अगर आप अपने एम्प्लॉयज को देते हैं तो सेक्शन 43B बोलता है एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउड होगा, बट यहाँ पे बोनस को इन्होंने एक ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया और उस ट्रस्ट से जो बोनस है वो अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR तक पे कर दिया गया। तो अगर आप देखेंगे तो द डिस्प्यूट वॉज सेटल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड द ट्रस्ट पेड द बोनस ऑन 31 अगस्त 2024। तो डियर एक बहुत फेमस केस लॉ है जो कि अक्सर आप अपने PGP में पढ़ते होंगे। हाँ, अगर आप केस लॉ कोट करेंगे डेट वुड बी गुड, अगर आप केस लॉ कोट नहीं करते ये भी इसमें भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। केस का नाम है सशुन SHUN केमिकल्स एंड ड्रग्स कंपनी लिमिटेड करके केस है। तो उस वाले केस में कहा गया था कि चूंकि आपने जो है वो बोनस को पे कर दिया था अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR, तो बोनस का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, 43B इसका डिसअलाउंस नहीं करेगा। ठीक बात। अच्छा, अमाउंट पेड बाय द कंपनी एज अ रेगुलराइजेशन फीस, तो रेगुलराइजेशन फीस के नाम पे जो भी आप अमाउंट पे करते हैं इट इज बेसिकली द वायलेशन ऑफ पेनल्टी, इट इज बेसिकली पेनल्टी और फाइन फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ। तो सेक्शन 37 क्लियरली मना कर देता है और जब से इसमें अमेंडमेंट्स आए हैं तब से तो क्लियरली मना कर दिया गया कि किसी भी तरह के लॉ का वायलेशन अगर आप कर रहे हैं उसके रिगार्ड्स में अगर आप कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं आप उसको सेक्शन 37 में क्लेम नहीं कर सकते। ठीक बात। अच्छा, अभी इंटरेस्टिंग है एडजस्टमेंट नंबर 4। यहाँ पे भी जो है वो हम लेट फीस पे कर रहे हैं, बट दिस लेट फीस इज
अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 37, क्योंकि ये जो लेट फीस है इट इज अंडर सम कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नॉट अंडर सम स्टैट्यूट। तो ये जो लेट फीस है डियर, ये कोई फाइन फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ नहीं है, या फिर ये कोई पेनल्टी फॉर द वायलेशन ऑफ एनी लॉ नहीं है, ये किसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को टाइमली मीटअप न करने की वजह से पे किया गया चार्ज है। सो इट इज अ काइंड ऑफ लिक्विडेशन डैमेज विच इज अलाउड एज डिडक्शन। अच्छा तो साहब ये प्रॉफिट वगैरह के डिडक्शन मतलब एडजस्टमेंट्स तो खैर इजी हैं, जो आपने ऑलरेडी इजी इजी कर दिए होंगे। हाँ, बैंक गारंटी अगर आप देते हैं डियर, तो बैंक गारंटी किसी भी चीज़ के लिए एक्चुअल पेमेंट को डील नहीं करती, और अगर आप पे कर रहे हैं टुवर्ड्स द डिस्प्यूटेड टैक्स लाइबिलिटी, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि जो डिस्प्यूटेड टैक्स लाइबिलिटी है इट इज इन रिगार्ड्स टू द इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल GST या फिर मतलब फॉर एग्जाम्पल एक्साइज ड्यूटी। अगर ये इनकम टैक्स के रिगार्ड्स में है, तो साहब इनकम टैक्स की जो लाइबिलिटी होती है वो आप ऐसे भी टैक्स purposes के लिए क्लेम नहीं कर सकते, बट इनकम टैक्स यहाँ पे अज्यूम करना बहुत ही ज्यादा बेवकूफी है। तो यहाँ पे जो हम मतलब डिस्प्यूटेड टैक्स लाइबिलिटी की जो बात की गई है, ये अज्यूम किया जा सकता है कि दिस डिस्प्यूटेड टैक्स लाइबिलिटी बेसिकली रिफर्स टू इनडायरेक्ट टैक्स, और अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्स को एक्चुअली पे नहीं किया, और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे बैंक गारंटी सबमिट की है, इट डज नॉट अमाउंट टू द एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स, और यहाँ पे आपको 43B की वजह से डिसअलाउंस आ जाएगा। अच्छा, कंपनी ने इंटरेस्ट रेमिट किया और यहाँ पे 7.5 लाख रुपए और 3 सालों का इंटरेस्ट एक बार में रेमिट किया, और TDS कर लिया 195 में। चलिए 195 में आपको TDS करना था, और आपने TDS कर लिया अप टू द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, बट अगर आपने उसको जमा कर दिया है अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग IRTR, ये भी आपको अलाउड है। 41 का यहाँ पे इम्प्लीकेशन नहीं आएगा, डिसअलाउंस नहीं लगेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कंपनी हैज कंट्रीब्यूटेड 65,000 टू इलेक्टोरल ट्रस्ट, क्योंकि कंपनी यहाँ पे स्पेशल टैक्सेशन रिजीम या ऑल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम 115BEE 115BAB में नहीं है, तो अगर आप इलेक्टोरल ट्रस्ट में अगर आप पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आप ATGGB में क्लेम करेंगे फ्रॉम योर ग्रॉस टोटल इनकम, ना कि आप अपने बिजनेस एक्सपेंडिचर से उसको माइनस करेंगे। तो 65,000 ऐड कर दें फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से, जो है ATC से ATU के नाम का ATGGB 65,000 में माइनस कर दें। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, और यहाँ पे साहब 2 ICDS का कंबाइंड एप्लीकेशन था, ICDS 2 और ICDS 6। तो आई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, बट अगेन हम यहाँ पे आपके साथ इसका डिटेल सॉल्यूशन नहीं कर रहे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना चाहिए। देखेंगे, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस एंड फैक्ट्रीज ड्यूरिंग देयर इज नो इंसिडेंस ऑफ फायर। डियर फ्रेंड्स, जो एसेट का जो यूजेस हो सकता है वो एक्टिव यूज भी हो सकता है और वो पैसिव यूज भी हो सकता है। तो अगर कोई एसेट जिसका अगर पैसिव यूज हो रहा है, मतलब अगर वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर उसका एक्चुअल यूज नहीं भी हुआ, तो भी आप उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, बोथ एक्टिव एज वेल एज पैसिव यूज अलाउड, तो इसका डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। अच्छा, न्यू मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज ऑन 14/5/2023 वैल्यूएटेड रुपीज 75,000 रुपीज, तो आप अकॉर्डिंगली इस वाली न्यू मशीन की आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, और साथ में आप जो है एडिशनल डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कंपनी एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल है, क्या कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रही है, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोवाइडिंग। अच्छा, और साथ में ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था, ये एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलता है यूजुअली। अब मशीन विच वॉज सोल्ड टू द डोमेस्टिक कंपनी इन 2016 एंड इट्स WDV 35, जब आपने सेल किया था तो उसकी WDV थी 35 लाख रुपए, आपने उसको रीअक्वायर कर लिया 5 जुलाई 2023 को 65 लाख रुपए में। सो इट इज द केस ऑफ द रीएक्विजिशन ऑफ द एसेट विच वॉज सोल्ड बाय द SSE एंड विच यूज टू बिलोंग टू द बिजनेस ऑफ द SSE, जिसमें SSE ने डेप्रिसिएशन क्लेम किया था। एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 43(1) लग जाता है, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द रीअक्वायर्ड एसेट जो होगा वो होगा लोअर ऑफ द WDV और द प्राइस एट विच द एसेट वाज रीअक्वायर्ड, मतलब 35 लाख रुपए और 65 लाख रुपए दोनों से जो भी कम है, तो जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द रीअक्वायर्ड एसेट होगा वो 35 लाख रुपए होगा, और 35 लाख को कंसिडर करके यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, ना कि 65 लाख रुपए को कंसिडर करके। ठीक बात है। अच्छा, इसके लिए रेफरेंस क्या है? एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 43(1) एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट। चलो, तो फिर इट वाज अ इजी क्वेश्चन, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2A1 हडियर ये डील करता है, आपको पता है अगर आप अपने कोई फिक्स एसेट वगैरह का ट्रांसफर करते हैं तो कैप गेन का ये फुल फ्लेज अच्छा मतलब क्वेश्चन है, और साथ में यहाँ पे सेक्शन 54 का आपको डिडक्शन भी मिलेगा, बट सेक्शन 54 के प्रोविजन में फाइनेंस एक्ट 2023 ने अमेंडमेंट किया था 10 करोड़ रुपए वाली लिमिट, तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में 10 करोड़ रुपए वाली लिमिट को आपको कंसिडर करना था, मतलब जो फाइनेंस एक्ट 23 ने जो अमेंडमेंट किया था सेक्शन 54 में, उसको यहाँ पे इन्होंने टेस्ट किया है, बट द क्वेश्चन वॉज इजी, क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। और अगर आप देखें साहब 4 नंबर के लिए बहुत सारी वर्किंग आपसे पूछी गई है, तो अगर मैं ये बोलूं कि क्वेश्चन अगर मुश्किल नहीं था तो क्वेश्चन इजी था, सर इजी तो था बट इसको सॉल्व करना 4 नंबर के लिए बहुत मुश्किल है, मतलब 4 नंबर के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान नहीं होता। अच्छा, एनी हाउ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स दिए हैं, उसको सॉल्व करने में ठीक ठाक टाइम लगने वाला है। अच्छा,
टू ए का टू, अगर टू ए के टू की बात करें तो यार मैं मतलब डिटेल में ये स्टडी नहीं कर रहा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने आंसर मतलब शेयर कर ही दिया था हमारे साथ, जो भी है हमारे मतलब हमारे साथ एसोसिएटेड है। इसमें डियर एक केस स्टडी लगी हुई है जिसका नाम है हाँ, जिसका नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है इसका, प्रदीप कुमार मल्होत्रा वर्सेस सीआईटी 2011। तो इस वाले केस स्टडी के हिसाब से यहाँ पे जो आपको एडवांस दिया गया है, डेट एडवांस वुड नॉट बी ट्रेडेड एज ड्यूम्ड डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर मेनन, क्योंकि ये जो एडवांस जो दिया गया है वो कंपनी ने एक नॉन ग्रेजुएटुअस एडवांस दिया है, मतलब मिस्टर मेनन ने, मिस्टर मंजू मंजू मेनन ने कंपनी को कोई बेनिफिट दिया और कंपनी ने उसके एवज में मिस्टर मंजू मेनन को एक एडवांस दिया है। ये जो है ये हम कह सकते हैं कि फ्री का एडवांस नहीं है, सो इट इज अ एडवांस जिसके मतलब इस एडवांस के बदले मिस्टर मंजू मेनन ने कंपनी को बेनिफिट्स दिया और कंपनी ने उसके एवज में एडवांस दिया। तो एक केस इन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है प्रदीप कुमार मल्होत्रा 2011 का केस लॉ है डियर। तो डियर मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि केस लॉस पे थोड़ा सा ध्यान दें, इस तरह के क्वेश्चंस भी अगर इंश्योर केस लॉस के फॉर्म में बना के पूछेगा डेट इज अ सीरियस मैटर, और इस बार केस लॉस के अच्छे खासे क्वेश्चंस इन्होंने पूछ लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए अच्छा क्वेश्चन है माइल सिंह का, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, तो इसमें दो काम आपको करने थे। सबसे पहले आपको माइल सिंह एक फॉरेन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना था, क्या इसका जो पोयम है वो इंडिया में है, तो इसका जवाब है नहीं, इसका पोयम इंडिया में नहीं है, क्योंकि पोयम के को चेक करने के लिए हमें देखना पड़ता है डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी के की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस कहाँ पे लेते हैं। शेयर होल्डर्स, अगर अगर शेयर होल्डर्स ने कोई भी डिसीजन लिया है कंपनी के बारे में, दो तरीके के डिसीजन शेयर होल्डर्स ले सकते हैं। सबसे पहले वो जो कि शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व है अंडर द कॉरपोरेट लॉस, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2013 ने इंडियन शेयर होल्डर्स के लिए कुछ चीजें मतलब रिजर्व करके रखी हैं जिसके बारे में डिसीजन सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स ले सकते हैं। दूसरा, अगर शेयर होल्डर्स कुछ ऐसे फैसले लेते हैं कंपनी के बारे में, कुछ ऐसी मतलब चीजें करते हैं जिससे कंपनी का एज एन एग्जिस्टेंस ही जिसपे मतलब जिससे इम्पैक्ट होता है, तो वो जो मतलब चीजें होती हैं उसको पोएम के डिटर्मिनेशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाता। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इन्होंने कहा है कि इट्स अ शेयर होल्डर्स मेट इन इंडिया फॉर 3 टाइम्स, तो इनके जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने इंडिया में अपनी मीटिंग की 3 बार, द फर्स्ट टू मीटिंग्स वेयर हेल्ड टू डिस्कस द मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स अटैच टू द वेरियस क्लासेस ऑफ शेयर्स, मतलब ये जो वो राइट्स हैं जो कि अलग अलग क्लासेस ऑफ शेयर्स के राइट्स में क्या क्या चेंजेस करने हैं उसके बारे में इन्होंने मीटिंग की थी। तो ये जो डिसीजन इन्होंने इंडिया में बैठ के लिया है ये उस तरीके का डिसीजन है जिसके लिए इनको स्टेच्यूट, इनको कॉर्पोरेट लॉ ने अलाउ किया है कि साहब इसके बारे में डिसीजन सिर्फ शेयर होल्डर ले सकता है, और साथ में इनका इम्पैक्ट जो होगा डियर वो कंपनी के सर्वाइवल पे और कंपनी के फ्यूचर पे पड़ने वाला है, ना कि कंपनी अपना बिजनेस मतलब किस तरीके से करेगी उस पर इसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला। और दूसरा, द थर्ड मीटिंग वॉज हेल्ड टू डिस्कस द एंड अबाउट द सेल ऑफ द कंपनीज एसेट्स सिचुएटेड इन इंडिया, अगेन इसका कंपनी के बिजनेस से सच को डायरेक्टली लिंक नहीं है कि मतलब कंपनी का हमें बिजनेस किस तरीके से रन करना है, इट इज नॉट द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन ऑफ द कंपनी। तो शेयर होल्डर जो भी डिसीजन लेते हैं अगर वो चीजें उनको जो स्टेच्यूट है वो उनको अगर उनको ही अगर वो राइट्स देता है तो वो जो है वो पोयम के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, और वो चीजें जिसकी वजह से कंपनी का फ्यूचर एज सच इम्पैक्ट होना है वो भी आपके पोयम के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो पोयम के लिए मुद्दे वाली बात क्या है, द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स आर हेल्ड इन शिकागो यूएसए वेयर मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एज अ होल आर टेकन, तो ये सारे के सारे डिसीजंस कहां पे लिए गए हैं, यूएसए में मतलब इंडिया के बाहर, तो कंपनी इंडिया की नॉन की मतलब कंपनी इंडिया में इनको कॉर्पोरेट भी नहीं हुई, और इसका जो पोयम है ये भी इंडिया के बाहर है, इसकी वजह से कंपनी इंडिया में नॉन रेसिडेंट है। ठीक बात, अच्छा अब कंपनी इंडिया में नॉन रेसिडेंट है और इसने डिविडेंड रिसीव किया ऑन जीडीआर, तो साहब 115 एसी में चला जाता है एट द रेट ऑफ 10%, तो इसमें 115 एसी लग जाएगा 10% पे, और हाँ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डेयर अगर आप एफटीएस रिसीव करते हैं तो एफटीएस आपका इंडिया में डीम टू अराइज होगा या नहीं होगा, डीम टू अगर अराइज होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है सेक्शन 917 के हिसाब से, और सेक्शन 917 बोलता है कि अगर एफटीएस की पेमेंट अगर गवर्नमेंट कर रही है तो वो एफटीएस हमेशा और हमेशा इंडिया में डीम टू अगर अराइज होगा, भले वो एफटीएस की सर्विसेज इंडिया में यूटिलाइज हो इंडिया के बाहर यूटिलाइज। अगर एफटीएस की पेमेंट कोई प्राइवेट कंपनी कर रही होती मतलब गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई और रेसिडेंट एंटिटी कर रही होती और अगर वो एफटीएस इंडिया के बाहर यूज हो रहा होता उस केस में वो इंडिया में डिम्ड होकर अराइज नहीं होता, बट चूंकि यहां पे एफटीएस की पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, भले एफटीएस की जो सर्विसेज हैं वो इंडिया में यूटिलाइज ना होकर कहां पे यूज होने वाली है, इन दी नेपाल, स्टिल ये जो एफटीएस है वो इंडिया में डिम्ड होकर अराइज होगा और अकॉर्डिंगली लायबल टू टैक्स इन इंडिया होगा। तो ये एफटीएस भी इनकी इनकम बन गई और जो जीडीआर में जो मतलब डिविडेंड है वो भी इनकम बन गया आज।
अच्छा मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट में इजी इजी क्वेश्चंस थे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट हाँ एक क्वेश्चन इसमें अच्छा था। तो सबसे पहले आपको जो है वो स्पेसिफाइड इनकम 115 बी मतलब WBI निकालना है। डेट वॉज नॉट अ वेरी टफ इशू। और इसमें थोड़ा सा डेयर आपको ध्यान देना था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के ना प्रोविजन्स में मेजर अमेंडमेंट्स आई थी फाइनेंस एक्ट 2023 में, और इन्होंने वही अमेंडमेंट्स लगा कि इन्होंने अच्छा क्वेश्चन बना के पूछा। सो जिन बच्चों ने अमेंडमेंट्स थोड़ा सा ध्यान से किया होगा वो इन्होंने तो इसका आंसर कर दिया होगा, बाकियों के लिए मुझे डाउट है, बट स्टिल चलें कोई बात नहीं। अच्छा DTW का क्वेश्चन इस बार आसान था, मतलब जैसे फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस आते रहते हैं वैसे ही थे इस तरीके। तो आपने क्वेश्चंस की भी बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी इसमें, मुझे तो ऐसा कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं लगा, और ज्यादातर बच्चों ने आंसर इसका कर भी दिया। एनी हाउ डिटेल में इसके बारे में बात नहीं कर रहे, बस कुछ और बेसिक सी बातें कर लेते हैं, देन हम आज की वीडियो ओवर कर देंगे, क्योंकि आपको वीडियो एग्जाम में मतलब दो पेपर आपके बाकी। अच्छा TDS TCS बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, तो ध्यान दीजिएगा जो पहला जो केस लॉ है ये केस लॉ डिपेंड ये जो है केस लॉ ITC होटल्स का। ITC होटल्स के केस में मतलब अपेक्स कोर्ट ने कहा था कि जो टिप होता है जो कस्टमर्स जो है वो मतलब देता है, और अगर वो टिप्स अब अगर आपने कस्टमर से लेके अगर अपने एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो वो सैलरी नहीं है, और सैलरी नहीं होने की वजह से 192 का TDS नहीं कटेगा। तो चलिए ये ITC होटल्स का केस है। तो अगेन मैं जैसा कि आपको बोल रहा हूँ डियर, इस बार केस लॉ करीबन करीबन 18-20 नंबर का केस लॉ आ गया, और MCQs में भी अगर केस लॉस पूछे गए होंगे तो उसके बारे में हमें प्रॉपर जानकारी नहीं है। अच्छा दूसरा सेकंड केस है साहब आपका ललित एन इंडिविजुअल हुज, हाँ जो 192C मतलब 192 का TDS नहीं बनेगा। सेकंड में ललित एन इंडिविजुअल हुज टोटल सेल्स इन बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/2023 वाज 1.5 करोड़, मतलब प्रीवियस ईयर 22/23 का जो बिजनेस है टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपए से एक्सीड करता है, तो उसकी वजह से TDS के प्रोविजन उनके ऊपर एज सच अप्लाई कर जाएंगे। अच्छा भले ये 44AD ऑप्ट कर लेते हैं, TDS के प्रोविजन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। 44AD की वजह से साहब आपका एडवांस टैक्स जो होता है वो आपको 3 इंस्टॉलमेंट में ना देके आपको पूरा मतलब 4 इंस्टॉलमेंट में ना देके एडवांस टैक्स आप पूरा का पूरा 15 मार्च तक अपने एक ही इंस्टॉलमेंट में पे कर दें, इसका जो इंपैक्ट आता है 44AD की वजह से। अच्छा इन्होंने 5 लाख रुपए पे किया बाय चेक ऑन 1/2/2024 टू अ कॉन्ट्रैक्टर, मतलब 194C का TDS, और चूंकि इंडिविजुअल है 5 लाख रुपए है तो इस 5 लाख पे 194C का TDS बन जाएगा। अच्छा द टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर 23/24, प्रीवियस ईयर 23/24 मतलब जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट की गई उसका टर्नओवर रिलेवेंट नहीं होता, उसके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर मायने रखता है। अच्छा सेकंड ये जो है वो मंथली रेंटल पे करते हैं एक ऑफिस प्रमाइसेस के लिए, मंथली रेंटल बोले तो 194i 240 का थ्रेशोल्ड होता है, तो यहाँ पे जो मंथली रेंटल जो ये पे कर रहे हैं अच्छा तो ये जो 16,000 रुपए का मंथली रेंटल है प्लस 5,500 रुपए इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बनता है 21,500 रुपए। तो आपने जो मंथली जो आपने जो रेंट पे किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो आपने पे किया है 258, जो कि 240 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है, तो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पे 10% के रेट से TDS करना पड़ेगा सेक्शन 194i। इसमें साहब आपने सब में सही आंसर दिया, बेसिकली 194O का इसमें मतलब TDS बनता है, और 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट, चाहे वो अमाउंट जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के पास है या फिर डायरेक्टली कस्टमर के थ्रू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के पास है, हम ये मानेंगे कि ये जो अगर कोई सम कस्टमर के थ्रू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के पास आता है वो भी सम जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने अपने ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पे किया। अच्छा 5 लाख का थ्रेशोल्ड यहाँ पे इसलिए अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है, 5 लाख का जो थ्रेशोल्ड है वो इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ के लिए अगर वो रेजिडेंट है तो मतलब एक इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ के लिए अप्लाई करता है, इसलिए ये 5 लाख के थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 194 रुपये आपको TDS करना पड़ेगा 4.90 पे 1% के रेट पे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4B मतलब ये जो है आपका ये डील करता है ट्रांसफर प्राइसिंग से, इस बार इन्होंने ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चन में चेंज किया, और ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ इन्होंने जो है वो नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया के भी प्रोविजंस लगा दिए सेक्शन 94A, तो दोनों को कंबाइन करके आपको इसका आंसर करना था, बट क्वेश्चन वाज वेरी इजी, क्वेश्चन में सच कोई टिपिकलिटी नहीं थी, बट हाँ बस ये है कि आपको इसको 94A के हिसाब से इसका आपको आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पता है साहब अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं विद अ पर्सन लोकेटेड इन NJA तो उसको जो है वो हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मान लेते हैं, और अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन से ट्रांजेक्शन करते हैं जो कि NJA में लोकेटेड है तो आपको और उसको हम एसोसिएट एंटरप्राइज डीम्ड कर लेते हैं, इवन अगर आप सेक्शन 92A की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते इसके बावजूद हम आपको एसोसिएट एंटरप्राइज मान लेते हैं। ठीक बात है। अच्छा बाकी एडजस्टमेंट्स में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई बहुत ज्यादा परेशानी आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ बच्चे कह रहे थे सर केस लॉस क्या जो है तो आसान आसान केस लॉस है। पहला जो केस लॉ डेयर आपको पता है नवंबर 24 मई 24 के लिए जो इन्होंने केस लॉस की जो मतलब जुडिशियल अपडेट इशू की थी उसी से था। ये केस लॉ डील करता है आपका क्या नाम था इसका CIT इंटरनेशनल टैक्सेशन
वर्सेस एयर इंडिया 2023 का केस था पहला वाला। तो और मैं बार बार कह रहा था कि केस लॉ साहब, कम से कम हमने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कि उस केस लॉ को अच्छे से पढ़ के जाए। और केस लॉ डियर अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसको सरसरी निगाह से पढ़ा लेते हैं, मतलब बर्ड आइज व्यू ले लेते हैं, वो भी सही नहीं है। उसका डिटेल्ड थोड़ा सा कंप्रहेंशन करना चाहिए, अदरवाइज जो है वो एग्जाम में लिखने में मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, दूसरा सेकेंड केस लॉ वॉज ऑल्सो इंपॉर्टेंट केस लॉ, और ये एक पुराना केस लॉ है 2010 के आसपास का है शायद। केस लॉ का नाम है डियर, मैं नाम आपको बता देता हूँ, सीआईटी वर्सेस टोनी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 2010, शायद ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, शायद मैं कंफर्म मतलब मुझे एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मुझे चेक करना पड़ेगा। मतलब केस लॉ का नाम यही है, सीआईटी वर्सेस टोनी इलेक्ट्रिकल्स 2010 का केस है। अब डियर, अब 2010 के केसेस भी अगर इंश्योर्ड अगर पूछ रहा है, डेट इज अ मैटर टू कंसर्न। अच्छा, तो तीसरा जो केस है ये एक इंपॉर्टेंट ये केस भी है, और इसमें आपको अपना जो है वो ओपिनियन भी देना है। यहाँ पे हो रहा है, हो ये रहा है बेसिकली कि हमने जो वो टीडीएस टाइम से काट लिया, बट हमने टीडीएस को टाइम से गवर्नमेंट को रेमिट नहीं किया। अच्छा, अगर हम सैलरी वगैरह पे करते हैं तो हम टीडीएस करना पड़ता है एट अ टाइम ऑफ पेमेंट, तो मार्च महीने में जो भी सैलरी वगैरह पे की हमने टीडीएस मार्च महीने में कर लिया। तो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा 1,10,00,000 का टीडीएस 31 मार्च तक कर लिया गया, तो 31 मार्च, तो आप जो मैं जो भी आप टीडीएस मार्च में करते उसको 30 अप्रैल तक पे करना पड़ता है। तो इन्होंने कहा साहब हमने 38 लाख रुपए का जो टीडीएस है वो तो हमने पे कर दिया मार्च में ही, बट बाकी जो 72 लाख का टीडीएस उसको हमने जुलाई में पे किया। तो इसका मतलब 72 लाख रुपए का टीडीएस आपने टाइम से काट तो लिया, बट आप उसको टाइम से जमा नहीं करते। मींस टीडीएस हैज बीन मेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ दैट, बट सच टीडीएस हैज नॉट बीन रेमिटेड टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ दैट। ठीक बात है। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो उसमें इंपैक्ट, तो इसके इंप्लीकेशन क्या क्या होते हैं? सबसे पहले असेसिंग डिफॉल्ट माना जाता है पर्सन को। दूसरा, सेक्शन 201(1)(a) का इंटरेस्ट लग जाता है। तीसरा, सेक्शन 276(b) का प्रोसिक्यूशन आ जाता है। और चौथा, 271(c) की पेनल्टी क्या आएगी, क्या पेनल्टी आएगी? अच्छा, 276(b) का प्रोसिक्यूशन लगेगा, बट क्या 271(c) की पेनल्टी आएगी? नहीं, पेनल्टी नहीं आएगी। मल्टीपल केस लॉस थे हाई कोर्ट्स के, जिन्होंने कहा था 271(c) की पेनल्टी लगा देना। 271(c) की पेनल्टी होती है इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टीडीएस दैट यू हैव फेल्ड टू रेमिट टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन द गिवन टाइम लिमिट। पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसका नाम है यूएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसका नाम है यूएस टेक्नोलॉजीज, अच्छा, इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड 2023, जिसमें अपेक्स कोर्ट ने कहा था कि अगर आपने टीडीएस को टाइम से काट लिया, बट अगर आप टीडीएस को टाइम से रेमिट नहीं करते टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, उस केस में 271(c) का इंटरेस्ट आपके ऊपर, सॉरी 271(c) की पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगी। हाँ, 201(1)(a) का इंटरेस्ट लग जाएगा, 276(b) का प्रोसिक्यूशन भी लग सकता है। अगर आप चाहें तो प्रोसिक्यूशन वगैरह के अगेंस्ट आप जो है वो एप्लीकेशन वगैरह दें, वो शायद आपको उसके अगेंस्ट रिलीफ मिल जाए। अच्छा, तो यहाँ पे ना क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा। इन्होंने कहा है कि फीलिंग अग्रीड एंड डिससेटिस्फाइड विद द लेवी ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी ऑन द लेट डिपॉजिट द कंपनी अप्रोचेस यू टू सिक्योर एडवाइस। तो साहब यहाँ पे पेनल्टी तो लगती ही नहीं है, तो आप जो है वो असेसिंग ऑफिसर, तो आप जो है असेसी को बोलें कि आप असेसिंग ऑफिसर को रिप्रेजेंट करें, सेक्शन 271(c) की पेनल्टी नहीं लगती, और यहाँ पे केस लॉ को कोट कर दें। जहाँ तक इंटरेस्ट का सवाल है साहब, तो सेक्शन 201(1)(a) का इंटरेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है अगर आपने टीडीएस को काट लिया, बट आप उसको टाइम से जमा नहीं करते, 1.5% पर मंथ के हिसाब से, शायद 1.5% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ, ये तो आपको मैंडेटरी देना ही पड़ेगा, इसमें रिलीफ नहीं मिलती। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन चले, थ्योरी क्वेश्चन है, ग्लोब रूल्स चले एनी हाउ, और यहाँ पे हाँ ये जो है एक अच्छा क्वेश्चन है, बट ये सेम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन साहब एमटीपी में शायद आपको दिया गया था। तो एमटीपी जिन बच्चों ने की थी May 24 के लिए जो एमटीपी आई थी वो सेम ही यहाँ पे, हाँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ एमटीपी आरटीपी, बट एक जगह तो ये कवर था। और हमने आपके साथ में एक बुक शेयर की थी मतलब सुपर 60 इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चंस के नाम से, उसमें भी ये क्वेश्चन कवर था। तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, मतलब नया इन द सेंस सिलेबस में तो नया ऐड हुआ है, बट आपके पास इंस्टीट्यूट ने इस वाले क्वेश्चन को मल्टीपल सोर्सेज से आपके पास पहुंचा दिया था। अच्छा, कुछ बच्चे टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन में कंफ्यूज हो रहे थे। पहला जो केस है केस ऑफ टैक्स प्लानिंग, यहाँ पे आपने अपनी एफडी अपने मेजर सन को गिफ्ट कर दी। तो साहब अपने मेजर सन को एफडी गिफ्ट करना जो है वो टैक्स के हिसाब से है, और यहाँ पे क्लबिंग भी नहीं होती और आप गिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, मेजर सन के हैंड में क्या सेक्शन 56(2)(10) अट्रैक्ट होगा? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने फादर से रिसीव किया है, मींस रिलेटिव, तो उनके जो सन है उनके हैंड में भी 56(2)(10) अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स प्लानिंग, और टैक्स प्लानिंग आपको अलाउड है, आप कर सकते हैं, क्लबिंग प्रोविजंस भी अट्रैक्ट नहीं होते। अच्छा,
सेकंड जो केस है, सेकंड केस है साहब, इट इज अ मोर अ काइंड ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। जहां पे सैलरी तो अर्न की है मिस्टर राम ने, बट यहाँ पे सैलरी के लिए जो अर्नर है, जो सैलरी की जो रिसिपिएंट है, वो उन्होंने अपने वाइफ को शो कर दिया और कहा कि जो मतलब टीडीएस है वो भी मेरे वाइफ के नाम पे काट लेना, ताकि उनकी इनकम की तरह से कंसिडर हो और मेरा इनकम जो है वो 49.5 लाख रहे, 50 के ऊपर जाएगा तो उसमें सरचार्ज लग जाएगा। सो इट इज द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट को हम टैक्स इवेजन कहते हैं। सो इट इज नॉट अ टैक्स प्लानिंग, और टैक्स ये प्लानिंग तो है ही नहीं ना, तो ना ये टैक्स मैनेजमेंट। इट इज अ प्योर अ केस ऑफ टैक्स इवेजन बिकॉज ऑफ द मिस रिप्रेजेंटेशन और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट के हिसाब से। ठीक बात है। अच्छा, एनआर मतलब एडवांस रूलिंग वाले क्वेश्चन में भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, बढ़िया। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सेक्शन 244R जो है, सेक्शन 244R जो है वो कहता है कि एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा बाय द अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग इफ द क्वेश्चन रेज्ड इन द एप्लीकेशन, इफ द क्वेश्चन और इफ द इफ दी मैटर रेज इन द एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी और एनी अपलेट अथॉरिटी, मतलब और ITAT। अच्छा, अब यहाँ पे जो फॉरन कंपनी ने जो मैटर रेज किया है वो फॉरन कंपनी के इंडियन क्लाइंट ने अपने असेसिंग ऑफिसर के सामने रेज किया था। ठीक बात है। तो असेसिंग ऑफिसर इज एन इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो हिसाब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो इशू है वो ऑलरेडी पेंडिंग है। बट सवाल बनता है सर, यहाँ पे फॉरन मतलब कंपनी ने मींस जो एनआर जो है उन्होंने तो कोई मैटर रेज नहीं किया था। 244R कहीं भी ये नहीं बोलता कि जो रेज किया जाएगा मैटर वो एसएससी के केस में रेज किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैटर रेज किया गया है वो एसएससी के केस में भी रेज किया जा सकता है, फिर किसी और पर्सन के केस में भी रेज किया जा सकता है। तो अगर आप 244R के अगर आप डायरेक्ट इंप्लीकेशन में जाएंगे तो ज्यादा तो फिर जो संभावना यही लगती है कि द एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड, और चूंकि यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया इट इज जस्टिफाइड, ऐसा दिखाई पड़ता है। बट साहब एक बहुत पुराना केस है, एक बहुत पुराना केस है जिसका नाम है एरिक्सन टेलीफोनी कॉरपोरेशन लिमिटेड करके 1997 का केस है, जहां पे इन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पे अथॉरिटी फॉर एडवांस पे ये कहा गया था, इन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पे ये कहा गया था कि एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना सही नहीं था और एप्लीकेशन को अलाउ किया जाना चाहिए। बट सर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग तो नया आया है, आप 1997 का केस बता रहे हो। डेयर अभी जो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग कहलाता है इसके पहले ये अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कहलाता था, और मेन जो प्रोसीजर वगैरह दोनों में सेम ही है। तो एक बहुत पुराना केस है जिसका नाम है एरिक्सन टेलीफोनी कॉरपोरे मतलब कंपनी लिमिटेड करके समथिंग, देर इज अ केस, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका प्रॉपर नाम आपको बता दूंगा। उसके हिसाब से यहाँ पे एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, बट मैं नहीं हूँ एक्सपेक्ट करता कि आपको वो केस पता होगा, आप उसको कोट करके आएंगे। तो अगर आप 244R का अगर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन भी डायरेक्ट एप्लीकेशन भी कर दें इट इज ओके। अच्छा, तो यार चलें फिर, आपका एग्जाम एग्जैक्टली कैसा हुआ जरूर से हमें फीडबैक दें, और अपनी बाकी एग्जाम्स पे अच्छे से प्रिपरेशन करें और अच्छे से कंसंट्रेट करें। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू फॉर योर रिजल्ट्स।